नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 15 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मठ मंदिरों की बेची जमीन वापस लेगी सरकार। पंचायत प्रतिनिधियों को देना होगा पूरा ब्यौरा। अब 12 साल से ऊपर के बच्चों को टीका लगने का रास्ता हुआ साफ। इस दिन से शुरू होगा अभियान। बिहार में दूध का बढ़ा उत्पादन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने निकाली रिक्तियां। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में मठ मंदिरों की बेची जमीन वापस लेगी सरकार। मठ मंदिरों की जमीन अब महंत या सेवादार के नाम से नहीं होगी। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री राम सूरत राय की तरफ से दिए गए बयान के अनुसार, जिस भगवान का मठ या मंदिर है वहीं इष्टदेव जमीन के मालिक होने वाले हैं, यानी कि जमीन के मालिक की जगह भगवान का नाम लिखा जाएगा। मठ मंदिर की जमीन बेचने का अधिकार भी समाप्त किया जाएगा, यानी कि अब एक बात तो तय है कि कोई भी महंत या सेवादार जमीन नहीं बेच सकेंगे। अब जो जमीन अभी तक बेची गई है वो सारी जमीन भी वापस दी जाएगी। सरकार इसको लेकर जल्द ही कानून में संशोधन लाने जा रही है। इसके साथ ही राज्य में जमीन का नक्शा भी ऑनलाइन मंगवाया जा सकेगा। पंचायत प्रतिनिधियों को देना होगा पूरा ब्यौरा। बिहार सरकार जनप्रतिनिधियों को लेकर बिहार सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत अब पंचायत प्रतिनिधियों की खैर नहीं है। बिहार सरकार ने सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने और जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब पंचायतों में जीते हुए प्रतिनिधियों को उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। बिहार सरकार के इस फैसले के बाद से पंचायत के विकास कार्यों में पारदर्शिता लाएगी। विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों को संपत्ति का ब्यौरा NIC पर अपलोड किया जाएगा। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया है। विभाग की तरफ से जारी पत्र में यह कहा गया है कि पंचायतों के प्रतिनिधियों को बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 174 के तहत लोक सेवक घोषित किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने निकाली रिक्तियां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सामाजिक सुरक्षा अधिकारी प्रबंधक ग्रेड 2 अधीक्षक के कुल मिलाकर 93 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन का अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 12 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। वैशाली के बावन पोखर मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बावन पोखर के उत्तरी छोर पर बना है पालकालीन बावन पोखर मंदिर। इसमें हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित है। साथ ही इस पोखर यानी कि छोटा जलाशय के बीच में एक जैन मंदिर भी बना है। इस मंदिर में स्थापित भगवान महावीर की मूर्ति इसी पोखर में खुदाई के दौरान निकली थी। साथ ही बावन पोखर मंदिर में रखी गई हिंदू देवी देवताओं की कई तस्वीरें भी इस पोखर की खुदाई के दौरान बरामद हुई थी। बिहार में दूध का उत्पादन बढ़ा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बीते दिन बिहार में दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी होने की जानकारी दी है। विधान परिषद में सोमवार को पशु और मत्स्य संसाधन विभाग का जवाब देते हुए उन्होंने उक्त बातें कही। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 3 साल में लगातार हो रही वृद्धि के साथ ही साल 2020-21 में राज्य में दूध का उत्पादन 115.016 लाख टन पहुंच गया। पशुओं के इलाज में राज्य में 57 एम्बुलेटरी वैन लगी है। ग्रामीण विकास मंत्री सर्वेश कुमार के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि बीमारी से संबंधित सदस्य की चिंता वाजिब है, लेकिन सरकार इसको लेकर सजग है। अभी कार्य हो रहा है, इसे और तेज किया जाएगा। इस दौरान मंत्री जी ने यह भी कहा कि 2018 में राज्य में दूध का उत्पादन 98.18 लाख टन और 2019 में 104.83 लाख टन था, यानी कि हर साल उत्पादन बढ़ रहा है। इस बार होली और शबे बारात पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं। इस बार होली और शबे बारात शांतिपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस दौरान हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसको लेकर तैयारियां अभी से ही बिहार में शुरू कर दी गई है, जिसके तहत ही होली और शबे बारात को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया जाएगा, जिसके तहत ही जिस थाने में जितने बल की आवश्यकता है वो उपलब्ध करवाई गई है। उन्हें ही ये सख्त हिदायत दी गई है कि त्यौहार के मौके पर लगातार गश्ती की जाए, साथ ही उपद्रवियों पर नजर रखी जाए। इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने जिला परिषद सभागार में क्राइम मीटिंग के दौरान कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराध जो आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाए। पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के लिए रेल कर्मियों ने किया प्रतिरोध। ECRKU
अलग अलग शाखाओं से जुड़े रेल कर्मियों ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए प्रतिरोध मार्च निकाला, जो कि AIRF के आह्वान पर किया गया। इस दौरान नई पेंशन को रद्द कर पुराने को लागू करने और PF के ब्याज दरों में कटौती का हजारों के रेल कर्मियों ने विरोध किया, जिसके बाद ही पटना जंक्शन पर प्रतिरोध मार्च निकाला गया। ये मार्च राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर दानापुर मंडल समेत पूर्व मध्य रेल के सभी रेल मंडल के दर्जनों स्टेशनों पर प्रतिरोध मार्च निकालकर विरोध जताया गया। पटना जंक्शन पर न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुराने पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर स्थित SS कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। अब गली मोहल्लों में नहीं दिखेंगे नंगे तार। अब गली मोहल्लों में बिजली के नंगे तार नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि अब तक कई ऐसे वाक्यों को आपने सुना जरूर होगा कि नंगे तार के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अब ऐसे मामलों में गिरावट आना तय माना जा रहा है, क्योंकि बिजली कंपनी ने ट्रांसफार्मर से लोगों के घरों तक पहुंचने वाली बिजली तार को कवर्ड रखने का निर्णय लिया है। इसको लेकर राज्य में विशेष अभियान चलाकर एरियल बंच केबल लगाने का काम होगा। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में इस पर काम शुरू हो जाएगा। बिजली कंपनी ने इसके पहले राज्य में जर्जर बिजली तारों को बदलने का अभियान चलाया था। इसके तहत अब तक 85,000 किलोमीटर तार बदले जा चुके हैं। इंटर मूल्यांकन में शामिल शिक्षक मैट्रिक उत्तर पुस्तिकाओं की करेंगे जांच। इंटर के बाद अब मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम होने वाला है। इसकी जिम्मेदारी अब इंटर मूल्यांकन में शामिल शिक्षकों द्वारा की जाएगी। बोर्ड ने इसको लेकर सभी DEO को निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इंटर मूल्यांकन अब समाप्त हो चुका है। ऐसे में इंटर मूल्यांकन में शामिल सभी परीक्षक अब मैट्रिक मूल्यांकन में शामिल होंगे। इससे मैट्रिक मूल्यांकन जल्द से जल्द समाप्त हो सकेगा। मैट्रिक मूल्यांकन 17 मार्च को समाप्त हो जाएगा। बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को मूल्यांकन के लिए शिक्षक नियुक्त करने को कहा है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे खेसारी लाल यादव की। अपने गानों के कारण मशहूर खेसारी लाल यादव का जन्म आज ही के दिन साल 1986 को रसूलपुर चट्टी छपरा बिहार में हुआ था। खेसारी लाल यादव बिहार के भोजपुरी गायक और अभिनेता हैं। खेसारी को पहली सफलता अपने भोजपुरी एल्बम माल भेटाई मेला से मिली थी। 2012 में आई अपनी पहली फिल्म साजन चले ससुराल से वो भोजपुरी फिल्म जगत के सितारे बन गए। वो अपनी गायकी में ठेठ देहाती भाषा का उपयोग करते हैं। जिनको नहीं पता उन्हें हम बता दें कि खेसारी लाल शुरू से ही लोक गायक के साथ साथ एक अच्छे नृतक भी रहे हैं। बिहार में अब दिन के साथ बढ़ने लगा रात का भी तापमान। बिहार में पछुआ हवा का प्रवाह देखने को मिल रहा है, जो कि अगले 5 दिनों तक बने रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञानियों की माने तो पछुआ की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र उत्तर बिहार और आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ था, जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम के सुदूर क्षेत्रों में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इन सभी मौसमी प्रभाव के कारण 5 दिनों तक मौसम शुष्क होने के साथ आसमान साफ रहने के आसार है। वहीं प्रदेश में 3 दिनों बाद रात और दिन के तापमान में आंशिक वृद्धि का पूर्वानुमान है। इधर स्पीकर पर भड़के CM, वहीं विपक्ष ने साधा निशाना। बिहार विधानसभा में बीते दिन हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब विधानसभा से भरे सदन में CM नीतीश का गुस्सा फूटा। लखीसराय के मामले को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला। इस दौरान स्पीकर से दुर्व्यवहार किए जाने का मामला जैसे ही स्पीकर ने उठाया, CM नीतीश भड़क उठे। उसके बाद क्या था, सदन खत्म होने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश विपक्ष के निशाने पर आ गए, जिसके तहत ही स्पीकर के समर्थन में आते हुए राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार सठिया गए हैं, सरकार नहीं CM बिहार में सर्कस चला रहे हैं। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के विधानसभा क्षेत्र में ना DSP किसी की बात मानता था और ना ही थानाध्यक्ष सुनता है। बिहार में CM अधिकारियों को बचाते हैं। किसी की मनमानी नहीं बर्दाश्त करेगी राजद। इन दिनों पार्टियों के अंदर भीतरघात की कई खबरें मीडिया में सुर्खियां बटोरती रहती है। राजद की तरफ से भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर पार्टी के अंदर ही मनमानियों की लंबी सूची देखने को मिली है, जिसको लेकर ही नेता प्रतिपक्ष ने अब ये साफ कर दिया है कि पार्टी के अंदर किसी भी हाल में मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर बीते दिन ही उन्होंने राजद कार्यकर्ताओं को लालू यादव की गाइडलाइन बताई, जिसके तहत तेजस्वी ने कहा कि पार्टी में रहकर कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, उन्हें सजा मिलेगी। यानी कि साफ है कि जो दल विरोधी काम करेगा उसे पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। वर्तमान समय में राजद को हराने लायक कोई नहीं है। अगर हम हारते हैं तो अपने ही लोगों की वजह से, नहीं तो कभी हमारी सत्ता नहीं जाती। बिहार MLC चुनाव में जदयू की होगी जीत। बिहार MLC चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच तैयारियों के साथ साथ भविष्यवाणियां भी तेज हो गई है, जिसके तहत ही आगामी बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर अब जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी भविष्यवाणी की है, जिसके तहत उन्होंने साफ अनुमान लगाया कि इस चुनाव में जदयू की जीत होना तय है। इस बाबत उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारा गठबंधन एकजुट होकर अपनी उपलब्धियों पर चुनाव लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जेल से संदेश भेजा जा रहा है। उनके नेता जेल में ही है और वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि राजद को वोट दे, लेकिन हम लोगों ने किसी ऐसे उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है जिनसे कोई पैसे का लेन देन किया गया हो। विपक्ष कुछ भी करे, लेकिन सभी सीटों पर जीत जदयू की ही होनी है।
चोर दरवाजे से आई नीतीश सरकार से इस बार बदला लेना है। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी में तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं। इसको लेकर बीते दिन वैशाली जिले के राजद उम्मीदवार सुबोध रॉय के लिए हाजीपुर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं पर उन्होंने सभी से अपने उम्मीदवार को वोट देने की अपील तो की ही, साथ ही उन्होंने इस दौरान बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विधानसभा में जितने भी सवाल अब तक पूछे गए हैं उसका कोई भी जवाब बिहार सरकार ने नहीं दिया है, जबकि बिहार विधानसभा में जनता ने उन्हें चुना था और नीतीश कुमार चोर दरवाजे से आए हैं, जिसका इस बार बदला लेना है। बेरोजगारों को सरकार दे रही है भत्ता, जल्दी करें आवेदन। अगर आप भी बेरोजगार हैं तो बिहार मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के दौरान 20 से 25 साल तक के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहायता के रूप में 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये योजना 2 साल तक चलने वाली है। इस योजना में प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने में कारगर साबित होने का अनुमान है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप www.7nishay-yuva-upmission.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई करें। यहां मांगी गई जानकारी को भरकर आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लोकसभा में उड़ी बिहार की खिल्ली। लोकसभा में बीते दिन ऐसे राज्यों की सूची जारी की गई जिन्होंने अभी तक मेडिकल वेस्ट का डेटा ही नहीं दिया है। इस सूची में कुल 9 राज्यों के नाम सामने आए। हैरानी वाली बात यह रही कि इसमें से एक नाम बिहार का भी रहा। आपको बता दें कि बीते दिन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लोकसभा में कहा कि साल 2020 में हर दिन 656 टन प्रतिदिन बायोमेडिकल वेस्ट जमा हुआ। इसमें कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी के तहत 590 टन प्रतिदिन जमा और निस्तारित किए गए। वहीं डेटा उपलब्ध न कराने को लेकर देश भर के 9 राज्यों के CBWTF को नोटिस जारी किया गया। इसमें झारखंड के 2 सेंटर भी शामिल है। झारखंड के अलावा कर्नाटक के 15, महाराष्ट्र के 5, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में 2-2, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 1 को नोटिस भेजा गया है। अब शिक्षा का हब बनेगा बिहार का ये जिला। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही सवालों के घेरे में रहती है। इन सबके बीच बिहार को शिक्षा का हब बनाने जैसी बातें सामने आती है तो आश्चर्य होगा ही, लेकिन अब ऐसा सच में हुआ है। शिक्षा विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार के खगड़िया जिले को शिक्षा का हब बनाने की तैयारी हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में फरकिया ने छलांग लगाया है। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चालू है। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले समय में मेडिकल की पढ़ाई भी यहां शुरू हो जाएगी। योजना के अनुसार धीरे धीरे खगड़िया उच्च शिक्षा का हब बनने की ओर अग्रसर है। डीएमसीएच की 73 एकड़ जमीन की नहीं मिल रही जानकारी। इन दिनों दरभंगा मेडिकल कॉलेज को विकसित करने का काम हो रहा है, लेकिन इसी बीच दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को राज्य में कितनी जमीन मिली है कितनी नहीं ये ही साफ नहीं हो पा रहा। पेपरों में छपे जानकारी के अनुसार अस्पताल को दरभंगा राज्य में कुल 300 एकड़ जमीन मिली थी, लेकिन इसमें से केवल 227 एकड़ जमीन का ही हिसाब प्रशासनिक स्तर पर हुआ। यानी कि कुल मिलाकर 73 एकड़ जमीन कहां चली गई किसी को पता ही नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार इस जमीन के दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, जिसकी जानकारी खुद जिलाधिकारी राजीव रोशन ने जमीन की खोज तेज करने के बाद दी है। होली को लेकर आज से जंक्शन समेत अन्य स्टेशनों पर खुलेगा अतिरिक्त काउंटर। होली पर ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने वाली है, जिसको देखते हुए अभी से ही बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा मुहैया कराते हुए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित देश के अन्य प्रमुख स्टेशनों से पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशन के लिए नियमित ट्रेनों के अलावा 24 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेल ने ट्रेनों और स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन, यात्री सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। रेलवे यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर भी खोलेगा। अब 12 साल से ऊपर के बच्चों को टीका लगाने का रास्ता हुआ साफ। इस दिन से शुरू होगा अभियान। कोरोना के मामलों में भी गिरावट तो जारी है, साथ ही देश भर के बच्चों को भी टीकाकरण में शामिल किया जा रहा है। अब तक 15 से 18 साल के युवाओं का टीकाकरण किया जा रहा था, वहीं अब 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू होगा। वहीं इस दौरान 60 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज भी दी जाएगी। इसको लेकर सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके जानकारी दी है। सूत्रों का कहना है कि 12 से 14 साल के आयु वर्ग को बायोलॉजिकल ईएस कोर्बेवैक्स का टीका लगाया जाएगा। भारत ने टेस्ट सीरीज में किया क्लीन स्वीप। मेजबान भारत ने श्रीलंका से दूसरा टेस्ट मैच भी बीते दिन जीत लिया। भारतीय टीम ने बेंगलुरु में खेले गए डे नाइट टेस्ट मैच में श्रीलंका को 238 रनों से हराया। इसके साथ ही उसने 2 मैच की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में पारी और 222 रन से करारी शिकस्त दी थी। भारत ने श्रीलंका से दूसरा टेस्ट जीतने के साथ ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इस हार के साथ ही श्रीलंका का 40 का इंतजार फिर से अधूरा रह गया। श्रीलंका की टीम 1982 से भारत दौरे पर आ रही है। उसने तब से अब तक भारत में 21 टेस्ट मैच खेले हैं।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में जजिया कर हटाया। पंजाब में सन 1947 में दंगे भड़के। पोर्ट लुई, वहां के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ द्वारा 1984 में स्थित महात्मा गांधी संस्थान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। वोडाफोन और एस्सार के बीच 2007 में समझौता संपन्न हुआ। जेल सुधार और मानव अधिकारों की रक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2008 में देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को जर्मन सम्मान एनी मेरी मेडिसिन के लिए चुना गया। इटली के पेसिलियो में 2008 में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई। 1984 में इंडियन रैपर हनी सिंह का जन्म हुआ। 1976 में अभिनेता अभय देओल का जन्म हुआ। 1985 में भारतीय इतिहासकार और लेखक राधाकृष्णा चौधरी का निधन हुआ। द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बिहार में भी उठी मांग। कश्मीर के पंडित और अन्य मुद्दों पर आधारित द कश्मीर फाइल्स इन दिनों चर्चा में है। इस फिल्म को इतनी ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री तक कर दिया गया। वहीं अब बिहार में भी इस फिल्म को टैक्स मुक्त करने की मांग हो रही है। इसको लेकर भाजपा विधायक संजय सारावकी ने राज्य सरकार से फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बिहार में टैक्स फ्री करने की मांग की है। बीते दिन विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करने के दौरान भाजपा विधायक ने ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने फिल्म पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस फिल्म कश्मीर पंडितों की दुर्दशा को दिखाया गया है, जिन्हें कश्मीर में उग्रवाद के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। व्हाट्सएप पर बदलेगा फोटो शेयर करने का अंदाज। व्हाट्सएप अपने यूजर के लिए अलग अलग नए फीचर्स को लाता रहता है। इसी कड़ी में अब कंपनी यूजर के लिए एक नया फीचर लेकर आया है। नए फीचर में यूजर को इन ऐप इमेज एडिटर में एक ब्लर टूल ऑफर किया जा रहा है। इसकी मदद से यूजर पूरी इमेज या इमेज से सिलेक्टेड हिस्से को ब्लर कर सकते हैं। इस फीचर को अभी कंपनी केवल iOS में ऑफर कर रही है। WA बीटा इन्फो की माने तो कंपनी ने इस फीचर को एंड्रॉइड यूजर के लिए बीटा वर्जन 2.22.7.1 के साथ रिलीज करना शुरू कर दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है टुनटुन यादव, रंजन कुमार, रोहित कुमार, गोनार शर्मा, रंजन सिंह, रंजीत मिश्रा, सचिन कुमार, गौतम कुशवाहा, अनिल कुमार गुप्ता, सागर सिंह रवानी, प्रिया रॉय, शिकृतिका ठाकुर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मिली शानदार जीत का श्रेय किस खिलाड़ी को आप देते हैं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।